नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। शिवपुरी कॉलोनी के एक मकान में मध्यरात्रि को लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुए खाक। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में मध्यरात्रि में जयप्रकाश चौधरी के मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। वही मोहल्ले वासियों ने 112 पर कॉल करके आग लगने की सूचना दी। साथ ही आसपास के लोगों ने अपने अपने घरों से टंकी पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने आग पर काबू नहीं कर पाया। करीबन 20 मिनट के बाद 112 और इसाकचक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में चश्मदीद ने बताया कि आसपास सब लोग सो गए थे। बाथरूम जाने के लिए हम निकले और देखा कि मकान की सीढ़ी से आग की लपटें निकल रही है, जिसके बाद हम चिल्लाना शुरू किया और एक एक करके सभी लोग जल्द ही मकान से बाहर आए। फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मकान जयप्रकाश चौधरी का है। हालांकि इस आग लगी घटना में किसी की हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए, उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर दो दमकल आए, उसके उसी के सबसे हुआ। क्या लग रहा, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। नुकसान नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। जो हाँ संपत्ति जो था वही था, जो भी है उसमें वही जला है संपत्ति में। था बहुत सामान था, घर का ही सामान था, जो भी था, दरवाज़ा एक न्यू था, दरवाज़ा था और सब ड्राम था, गेहूँ का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के। क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोटी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आप पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। पहले लोग क्या, या बुझाए बस्ती के लोग क्या? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विभास कुमार मंडल। मकान मालिक हुए अपना? हाँ, नाम मकान मालिक के दामाद हुए, हम यहीं रहते हैं। लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए, उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब कोऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाकर। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है, और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए, अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सके। 1 घंटा के आसपास। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। क्या